सेम टीम ने? यस ओके सेम प्लेइंग 11, कोई बदलाव नहीं है। जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करें। जयवीर 11 टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मेंटर की जिम्मेदारी इस बीच युवराज सिंह पिंटा के ऊपर जो टीम मेंटर है। अत्यधिक आहिर टोपी लगाकर कॉलर ऊंचा कर सात ओवर का मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला रहेगा ये। यहां से जो भी जीतेगा उसका सफर आगे बढ़ेगा, जो भी हारेगा उसका सफर यहीं पर रुक जाएगा। अंपायर सर भी आ चुके हैं, स्केलिंग अंपायर और स्ट्राइक अंपायर के ऊपर, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी के ऊपर। अक्सर 11 अपना 12 मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजे जल्द से जल्द। जयवीरू 11 जेवी 11 ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सात ओवर का मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला, पहले ओवर की पहली गेंद, गेंदबाजी के ऊपर प्रदीप, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज धर्मेश, टॉम स्ट्राइक गेंद के ऊपर यस। गेंदबाजी के ऊपर प्रदीप, घरेलू क्रिकेट नगरिया की ओर से खेलते हैं। नगरिया प्रीमियर लीग सीजन तीसरा संस्करण चलता हुआ। पहले ओवर की पहली गेंद बल्लेबाज के लिए, राइट ओवर द विकेट, बॉलिंग लाइन के ऊपर दूर वाले छोर से प्रदीप ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी भी संभाल रखी है। कट किया, कट शो खेला है, पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील किया जाए, तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया, अपना खाता खोला है। यहां से जो भी हारेगा उसका सफर यहीं पर रुक जाएगा और जो भी जीतेगा उसका सफर आगे बढ़ेगा, यानी कि ये नॉकआउट मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मुकाबला। बल्ला चलाया और गेंद को भेजा सीधे सीमा रेखा की ओर, गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए यूज एन आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। गोल्डन स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। नाइस कैरी टू द विकेट कीपर प्रतीक आहिर, कोई गलती नहीं की, स्कोर रुका हुआ है 8 रन पारी का। ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ, बल्ला चला गया इस बार सामने की तरफ, तीर से बल्ले से सीधा स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर सीमा रेखा के बाहर, यूज एन आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। 14 जा पहुंचा है 14 रन पारी का, ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। यस नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर है और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज धर्मेश, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज यस। बल्ला चला जरूर इस बार जमीन के समांतर, स्ट्रोक को खेला, गेंद चली गई सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, गेंद को फील किया जाए, तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर निर्धारित। 7 ओवर का मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला, यहां से जो भी जीतेगा उसका सफर आगे बढ़ेगा और जो भी हारेगा उसका सफर यहीं पर रुक जाएगा, यानी कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। डीजे मिकी संतोष गरासिया खुद ऑपरेटर के ऊपर।
फुल टॉस गेंद जरूर, इस बार गेंद चली गई सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। प्रतीक आहिर ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है, अपने कोटे का यह पहला ओवर, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21-21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जमीन के समान इस बार शॉक को खेला, हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई वरना रन आउट हो सकते थे, वहां पर लॉन्ग स्ट्राइक गेंद के ऊपर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22-22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज प्रतीक आहिर राइट ओवर द विकेट, बॉलर बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार दूर वाले छोर से, बल्ले का अंदरूनी सहारा, विकेट कीपर का सहारा मिला, विकेट का पतन होता हुआ यहां पर प्रतीक आहिर को मिलने वाली है पहली सफलता और लगने वाला यह पहला झटका अक्षर 11 को। की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 8 रन खर्च के इस ओवर में एक अच्छी गेंदबाजी, नफीदुली गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर। पावर प्ले समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। फील्डिंग डिसीजन अब खुल जाएगा, अब गेंदबाजी के ऊपर प्रदीप अपने कोटे का ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर दूर वाले छोर से गेंद करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज विशाल को। प्रदीप दूर वाले छोर से स्क्वेयर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज के लिए 30 यार्ड सर्कल के अंदर पॉइंट गली शॉट थर्ड मैन और शॉट फाइन लेग को जिस प्रकार फील्डिंग की सजावट की है बल्लेबाज के लिए स्ट्राइक के ऊपर सामना करने के लिए तैयार। नगरिया प्रीमियर लीग सीजन 3 तीसरा संस्करण चलता हुआ और तीसरा मुकाबला। डिपिंग फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला, गेंद चली गई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, सागर आहिर की ओर से गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24-24 रन। 4 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, चई वीरू 11 और अक्षर 11 के बीच में आज का चलने वाला ये तीसरा नॉकआउट मुकाबला। इनसाइड आउट शो खेला हुआ, गेंद कैच हिट की मांग, लॉन्ग डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, अच्छा कैच, विकेट का पता होता हुआ यहां पर जय वीर 11।
जमीन के समांतर इस बार स्टोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद चली गई सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 25, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, तीसरा मुकाबला चलता हुआ जय वीरो 11 और अक्षर 11 के बीच में, नॉकआउट मुकाबला। यहां से जो भी जीतेगा उसका सफर आगे बढ़ेगा। पॉइंट के ऊपर इस बार का स्ट्रोक खेला, बल्लेबाज ने गेंद को फील किया जाए। तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24 रन, सिंगल डबल के साथ 26 रन, एक रन के साथ। गुजराती में बोलनी इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 27, 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर, जय वीर 11 और अक्षर 11 के बीच मैच का चलने वाला यह तीसरा नॉकआउट मुकाबला। नगारिया प्रीमियर लीग एक अच्छा आयोजन इस टूर्नामेंट के, जो मुख्य स्पॉन्सर की अगर बात की जाए तो अनिता एंटरप्राइज, राज ठाकुर, टेस्टी टच, रविराज परमार, सी कंस्ट्रक्शन, चिंतन भाई रायचा, चिराग ठुमर, राशि नेट, हिनल पटेल और द्वारकेश पेट्रोलियम, प्रणव भाई कोटक। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर, करेक्ट रन रेट की बात की जाए तो 9.5 के औसत से रन बन रहे बीच मैदान के ऊपर। प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 65-65 तक, ये क्रिक हीरोज का मैप है। अब कहां तक लेकर जाएगा ये आने वाले 7 ओवर के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विशाल और नॉन स्ट्राइक इनके ऊपर विनय, गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से, चौथा ओवर लेकर रोड एंड की ओर से सागर आहिर ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इसमें संभाल रखी है। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है, इसके लिए बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया गया बल्लेबाज की ओर के लिए। डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर बल्लेबाज के लिए। राइट एम ओवर द विकेट, गेंदबाजी करेंगे सागर आहिर। होल टॉस गेंद इस बार बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी है, नीचे कैच की मांग, उमंग है और क्या ड्रॉप। वो क्रिकेट में कहा जाता है कैच छोड़ो और मैच छोड़ो, फील्डर का साथ नहीं मिला यहाँ पर गेंदबाज सागर आहिर को। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ट्वेंटी 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का यह चौथा ओवर, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर इस बार गेंद जा रही है, फील्डर मौजूद है वहां पर, गेंद को फील किया जाए प्रदीप की ओर से और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर प्रतीक आहिर की ओर। तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 30 रन, पारी का यह चौथा ओवर चलता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विशाल और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर विनय। जड़ वाली गेंद जरूर थी, इस बार LBW का नियम लागू नहीं किया गया वरना निश्चित रूप से आउट होते बल्लेबाज। पारी का ये चौथा ओवर, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 30 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। अक्षर 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 30 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर गेंदबाज सागर आहिर रोड एंड की ओर से श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। नगरिया प्रीमियर लीग चलने वाला ये मुकाबला नॉकआउट। इस बार सामने की तरफ शो को खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद चली गई, फील्डर मौजूद है वहां पर, वन बाउंस के ऊपर गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 31-31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, दो विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर।
इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलना चाहते थे, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद चली गई, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील किया जाए। तब तक चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 32-32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नफीतोली गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर जय वीरो 11 की ओर से, यहां से अब अभी भी 18 गेंद शेष, बल्लेबाज अक्सर 11 के लिए, अब कितना रन बना पाएगी यह आने वाला समय बताएगा। 60-70 रन यहां पर सेफ माना जाता है, एक फाइटिंग स्कोर माना जाता है इस विकेट के ऊपर। रन स्कोर कार्ड के ऊपर, दो ओवर की दो विकेट के नुकसान के ऊपर, अभी भी 18 गेंद शेष। अब गेंदबाजी के ऊपर हर्षद ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है रोड एंड की ओर से, अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से पांचवा ओवर लेकर। राइट आउट द विकेट, गेंद करेंगे स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विनय माछी, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर विशाल नायक। फुल टॉस गेंद जरूर इस बार सामने की तरफ खेलना हुआ, शॉर्ट गेंद चली गई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद जा चुकी है सीधे 1-2 का 4 सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर अब एक फील्डर को शामिल किया जाता है, डीप मिड विकेट वाइड इस लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, फील्डर वहां पर तैनात है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को फील किया जाए, ओवर थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन से साथ इस बार खराब ओवर थ्रो, 2 रन मिलेंगे यहां से, पलटवार किया दूसरे के लिए, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये पांचवा ओवर चलता हुआ, अक्सर 11 और जय हीरो 11 के बीच में आज का चलने वाला ये तीसरा नॉकआउट मुकाबला। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद जरूर लगी, शॉर्ट हार्मेन के ऊपर, फील्डर गेंद के पीछे जरूर है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, गेंद को फील किया जाए और विकेट कीपर की ओर दिया जाए। तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है पारी के ये पांचवें ओवर में 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गुड लाइन स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी, कैच हो सकता है और कैच यहां पर आसानी के साथ कैच लिया, अपर हैंड कैच लिया गया वहां पर, बल्लेबाज को यहां से जाना होगा पवेलियन की ओर, प्रदीप शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। फिलहाल 3 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर अभी भी रुका हुआ, पारी गई है 5 ओवर में 40 रन। डाउन द ग्राउंड इस बार स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद चली गई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, गेंद को फील किया जाए। तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 42-42 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, पारी का ये पांचवा ओवर चलता हुआ। जय वीरो 11 ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था,
पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया था पारी का ये पांच ओवर प्रगति के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट, उल्टा गेंद जरूर थी इस बार हवा में गेंद और आउट, विकेट का पतन होता हुआ, विकेट का सिलसिला इस बीच बीच मैदान के ऊपर लगने वाला। ये चौथा झटका पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 42-42 रन अक्सर 11। छठा ओवर लेकर गेंदबाजी के ऊपर सागर आहिर ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है। पिछला ओवर किया था सागर ने सिर्फ चार रन खर्च किए थे, अब रोड एंड की ओर से अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मित्तल और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर हिरल। जमीन के समांतर इस बार शो को खेला बल्लेबाज ने, गेंद चली गई सीधे लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग बेरियर पोजीशन के ऊपर गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 43-43 रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर चलता हुआ, 7 ओवर का नॉकआउट मुकाबला अक्सर 11 और जयवीरू 11 के बीच में। सागर आहिर वापस बॉलर बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करने के लिए। जमीन के समांतर इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद चली गई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर मौजूद है, गेंद को फील किया जाए, तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जब पहुंचा है 44-44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चार विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर। अमर डांसर सागर आहिर बॉलर बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद जरूर थी इस बार, गेंद चली गई सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, अच्छी फील्डिंग वहां पर, गेंद को फील किया जाए, तब तक एक रन और वाइट यानी कि दो रन काउंट किए जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 46-46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद जरूर थी इस बार, पॉइंट के ऊपर गेंद जा रही है, फील्डर मौजूद है वहां पर, प्रदीप गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर, तब तक दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 48-48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चार विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मित्तल और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर हिरेन। नौ बॉल का इशारा, गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर, चार रन और नौ गेंद यानी कि पांच रन काउंट किया जाएगा। शेयर ऑफ द 50 50 रन पूरे के अक्सर 11 ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है।
कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद काउंट की जाएगी। छह ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी छह गेंद शेष बल्लेबाज के लिए। छह ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सात ओवर का मुकाबला है, आपको पहले ही बताया गया था। टॉस चार गेंदबाज हो चुके हैं, सारे का ये आखिरी ओवर। संभाल रखी है, पहला ओवर किया था, सिर्फ 8 रन खर्च किए थे। नफीदुली गेंदबाजी का प्रदर्शन बीच मैदान के ऊपर, अपने कोटे का ये दूसरा ओवर टीम की ओर से सातवां ओवर लेकर। वाइड इज लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, स्क्वेयर लेग और फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज के लिए। जमीन के समांतर इस बार स्टोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद को फील किया जाए सुरेश की ओर से डीप मिड विकेट के ऊपर। तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा, दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते थे लेकिन मना किया स्ट्राइक बल्लेबाज मित्तल ने, तो एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। 59 रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये सातवां ओवर, यानी कि आखिरी पांच गेंद से बल्लेबाजों के लिए। आगे निकलकर आप वॉली बनाकर खेलना चाहते थे, इस बार हवा में गहरा आउट, विकेट का पता होता हुआ प्रतीक आहिर को मिलने वाली दूसरी सफलता और लगने वाला यह पांचवा झटका अक्षर इलेवन को। कोई नहीं, गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा की ओर, वन टू का फोर बाहर, चौका मिलेगा यहां से।
दो सफलता। बॉलर बॉलिंग लाइन के ऊपर बल्ला चला जो था, इस बार गुड लेग स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तानों में जाने का। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 63 रन। पारी का ये आखिरी ओवर, सातवा ओवर प्रगति के ऊपर। टॉस गेंद जरूरत हवा में, गेंद फील्डर मौजूद है वहां पर, वन बाउंस के बाद गेंद को फील किया जाए, तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। हल्की सी अपील, उत्साह जगह, विश्वास को इस बीच नकार दिया। दो रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाज ने। इस दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 67 रन, 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। टॉस गेंद आगे निकलकर स्टोक को खेलना चाहते थे, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, ओवर की समाप्ति। 66 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए निर्धारित सात ओवर में 65 रन बनाए गए पहले बल्लेबाजी करते हुए जय वीरो 11 को। अगर ये मुकाबला जीतना है तो 66 रन बनाने होंगे जय वीरो 11 को ये मुकाबला जीतने के लिए निर्धारित सात ओवर में। अक्षर 11 के कप्तान से गुजारिश है जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करें।
सोलो डॉन जो साइड स्क्रीन के ऊपर है। प्रारंभिक बल्लेबाज प्रदीप और चेतन, गेंदबाजी के ऊपर संदीप, पहले ओवर की पहली गेंद। संतोष गरासिया कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें जहां कहीं भी है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर है प्रदीप, और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज चेतन। पहले ओवर की पहली गेंद, 66 रनों का पीछा करना इस मुकाबले को जीतने के लिए। नॉक आउट मुकाबला, यहाँ से जो भी जीता है उसका सफर आगे बढ़ेगा और जो भी हारेगा उसका सफर यहीं पर रुक जाएगा। 365 दिन इंतजार करना होगा नगारिया प्रीमियर लीग का। डाउन द लेग लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, इस बार वाइट करार दिया जाएगा। 3 रनों के साथ खाता खोला है जयवीरो 11 ने। लगातार ये आज का चौथा दिन जो यहां पर कमेंट्री कर रहे इस ग्राउंड के ऊपर। बल्ला चला है जरूर इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से, गेंद चली गई सीधे सीमारेखा के बाहर। यूजर हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क लगने वाला यह पहला सिक्सर बल्लेबाज बल्ले के बल्ले से। स्टंप के ऊपर इस बार बल्ला चलाया जरूर था, छेड़ खाड़ी करने का जरूर प्रयास किया गया था बल्लेबाज की ओर से, लेकिन गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। इस बार उड़ाया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। यूजर हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा दिए दोनों बल्लेबाज। चेतन की ओर से फिलहाल बॉलर बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार संदीप, दूर वाले छोर से फार्म एंड की ओर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। बल्ला चला है जरूर इस बार स्ट्रोक के खिलाफ, बल्लेबाज ने गेंद चली गई सीधे पॉइंट के ऊपर, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद काउंट की जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। जयवीर 11 का स्कोर रुका हुआ है 13-13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ, दूर वाले छोर से इस बीच गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज संदीप। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी इस बार हवा में गेंद और आउट, विकेट का पतन होता हुआ। मिलने वाली पहली सफलता और लगने वाला पहला झटका जयवीर 11 को। डीजे प्रारंभिक ओवर चलता हुआ, अभी अभी आउट होकर पवेलियन के गए बल्लेबाज, उसका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज सागर आहिर ने प्रस्थान किया है बीच विकेट के ऊपर। कप्तान चल पड़ा है सीनातान जयवीर 11 के लिए।
राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉलर बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। बल्ला चला जरूर इस बार जमीन के समांतर, स्ट्रोक को खेला है, रन लेना चाहते हैं लेकिन आधे विकेट से वापस लौटना पड़ेगा विकेट कीपर की ओर। तो एक रन के साथ कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन। गौरांग गच्चर उपस्थित हो चुके हैं, बैक टू बैक फाइनल विन कल यहाँ पर धर्मपुर चैंपियंस ट्रॉफी और धर्मपुर बिग बैश में बिना 11 प्लेइंग में खेले हुए। एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान के ऊपर 13 रन। तारीख का ये दूसरा ओवर अपने कोटे का, ये पहला ओवर टीम की ओर से, दूसरा ओवर लेकर फार्म एंड की ओर से स्ट्राइक की गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच गेंदबाज विशाल ने संभाल रखी है। बल्ला चला है जरूर इस बार, स्लॉग स्वीप किया है, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, यूज एन आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। बल्ले के ऊपरी से बल लगे इस बार, हवा में गेंद थी और विकेट का पतन होता हुआ, विकेट नंबर दूसरा लगने वाला, ये दूसरा झटका जय वीरो 11 को और मिलने वाली है पहले से बल्ला गेंदबाज विशाल के नाम डीजे। बल्लेबाज के रूप में इस बीच दीपक ने प्रस्थान किया है बल्लेबाजी के ऊपर, 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। जय वीरो 11 और अक्षर 11 के बीच में चलने वाला आज का ये नॉकआउट मुकाबला, यहाँ से जो भी जीतेगा उसका सफर आगे बढ़ेगा और जो भी हारेगा उसका सफर यहीं पर रुक जाएगा। आगे निकलकर इस बार हाफ वॉली बनाकर खेला, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से, यूज एंड आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क, स्टैंड एंड डिलीवर सामने की तरफ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। हमारे साथ यहाँ पर गौरव भाई जो मारा से बिलोंग करते हैं, ऑपरेटर और कैमरामैन रोहित हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए, फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार बल्ला चलाया जरूर स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, गेंद चली गई, फील्डर मौजूद वहां पर, गेंद को फील किया जाए, तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरा किए, इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 27 रन, 27 पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर।
वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, चार रन इशारा किया जाए अंपायर सर, आपको ये दोबारा बता रहा हूं मैं, लाइव टूर्नामेंट चल रहा है, सीधा बल्ले से स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद को फील किया जाए, तब तक एक रन से संतोष होना पड़ेगा, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 30 रन पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर, जय वीरो 11 और अक्षर 11 के बीच में चलने वाला आज का ये तीसरा नॉकआउट मुकाबला। शॉर्ट गेंद जरूर थी, इस बार गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन, आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 36 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकर गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज मित्तल ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दीपक, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर सागर आहिर। कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर इस बार स्ट्रोक खेला, बल्लेबाज ने गेंद चली गई सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर मौजूद, गेंद को फील किया जाए, तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 32 रन 32 पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। टॉस गेंद जरूर थी, इस बार स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद चली गई सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए, वन बाउंस के बाद चार रन। पारी का ये तीसरा ओवर, कट शो खेला, इस बार गली के ऊपर गेंद चली गई, फील्डर मौजूद है वहां पर, पीछा कर रहे हैं लेकिन
सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील किया जाए, तब तक दो रन से संतोष होना पड़ेगा। इस दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 38 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। 26 गेंदों के ऊपर 28 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बॉलर बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार, बल्ला चला जरूर इस बार, गेंद गई डीप मिड विकेट लाइन के ऊपर, फील्डर गेंद को फील करे तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जब पहुंचा है 39 39 रन, पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। गेंद और सही नसीहत, गेंद चली गई सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, यूज एन आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। सागर आहिर के बल्ले से लगने वाला ये पहला सिक्सर। ऊपर 21 21 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। दीपक 7 गेंदों के ऊपर 19 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। छोर बदला जाएगा अब रोड एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज संदीप ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दीपक और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सागर आहिर। संतोष गरासिया कॉमेंट रिबॉक्स का संपर्क करें, हल्के हाथों से वहां पर टहला दिया, हरी कारपेट को चीर कर गेंद जा रही है सीधे पॉइंट के ऊपर, फील्डर मौजूद, गेंद को फील किया जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 46 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सागर आहिर जो खुद कप्तान है, फ्रेंचाइजी ओनर नीलेश आहिर और सुरेश आहिर ने कप्तान की जिम्मेदारी इस भी सौंपी गई है जयवीर 11 के लिए सागर आहिर के ऊपर। गेंदबाज संदीप बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार, सीली कवर के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात था, कैचिंग पोजीशन के ऊपर कैच नहीं लपक पाए, मौका जरूर मिला इस बीच बल्लेबाज को। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद काउंट की जाएगी, पारी का ये चौथा ओवर। 22 गेंदों के ऊपर 20 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। बल्ला चला जरूर इस बार, थोड़ी देर हवा में लहराने के बाद वन बाउंस के बाद गेंद को फील किया जाए, तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जब पहुंचा है 47 47 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। डाउन द लेग इस बार लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जब पहुंचा है 40
48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लिया था, इस बार गेंद चली गई सीधे पॉइंट के ऊपर, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ, हल्की सी मिसफील्डिंग जरूर हुई लेकिन रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ, स्कोर अब भी रुका हुआ 49 रन। जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत आने वाली 19 गेंदों के ऊपर। फुल टॉस गेंद खुला छोड़कर रखा था लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सागर आहिर के बल्ले से लगने वाला ये चौका, जय वीर इलेवन ने 50 रन पूरे किए, चेयर ऑफ द 50। चार ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, जीतने के लिए अभी भी 13 रनों के। अडर बोलमा अभी भी आक्रामक बल्लेबाज डगआउट में, प्रतीक आहिर बल्ला लेकर खड़े हैं उनके पर्सनल कोच के साथ जो गौरांग गज्जर, बैक टू बैक फाइनल विनर, कुछ सलाह मशवरा करते हुए कुछ सलाह दे रहे हैं वहां पर कि किस प्रकार की बल्लेबाजी की जाए मैदान में जाकर। विकेट को परखा है क्योंकि लगातार यहाँ पर 4 दिन से क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है इस विकेट के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर। बिना खेले चैंपियन होना कोई गौरांग गज्जर से सीखे। जमीन के समांतर इस बार स्टोको खिला, फील्डर मौजूद वहां पर, गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जब पहुंचा है 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बारह रन चाहिए जीतने के लिए। वाइड का इशारा, अंपायर्स की ओर से 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 55 रन। 11 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। शॉट गेंद जरूरत इस बार, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद जा रही है सीधे गली के ऊपर, फील्डर मौजूद, एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसे एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 56 रन। जीतने के लिए अभी भी 10 रनों की जरूरत जय वीरू 11 को। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद टॉस किया जाएगा आरके इंडियंस और वीएन सुपर किंग्स के बीच में। सीमा रेखा के बाहर 4 रन। जीतने के लिए अभी भी 6 रनों की जरूरत। रवि राज परमार टेस्टी टच के ओनर उपस्थित हुए हैं, आइए आपका स्वागत है नगारिया प्रीमियर लीग। 6 रनों की जरूरत जय वीरू 11 को इस मुकाबला जीतने के लिए। शॉर्ट हरमेन के ऊपर गेंद चली गई, पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, दूसरा पलटवार करेंगे, 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 62 रन। जीतने के लिए अभी भी 4 रनों की जरूरत जय वीरू 11 को। वन बाउंस के बाद गेंद के सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए जय वीरू 11 ने यह मुकाबला जीता। और नॉक आउट मुकाबला, अक्सर 11 यहां से हारने के बाद अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।
अब आने वाला जो मुकाबला खेला जाएगा आरके इंडियंस और